गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय बनाते समय चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के प्राचीन गोंडवाना क्षेत्र के ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं समृद्ध इतिहास को ध्यान में रखा गया है। इन दोनों जिलों पर लगभग 700 वर्षों तक शासन करने वाले देव राजाओं का इतिहास उपलब्ध है। कई जिले और मंदिर आज भी यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक वैभव के गवाह बनकर खड़े हैं। इस गौरव पर आदिवासी ही नहीं सभी को गर्व है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी शहीद बाबूराव शेरमाके का योगदान इतिहास में अमर हो गया है। गोंडवाना विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आदिवासियों के साथ साथ सर्वहारा बहुजन समाज का शैक्षणिक विकास हो, विश्वविद्यालय में अनुसंधान और अनुसंधान पर आधारित कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए सरकार को सशक्त बनाया जाए ताकि अनुसंधान के माध्यम से उनकी पीड़ा और गरीबी की समस्याओं का समाधान किया जा सके। चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के आदिवासी महापुरुषों द्वारा किए गए व्यापक जन कल्याणकारी कार्यों के प्रति कृतज्ञ होकर आदिवासियों के स्वाभिमान को बढ़ाना चाहिए। मैं मनोज आत्राम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष। आज पत्रकार परिषद यासाठी आयोजित करण्यात आली। गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली येथे जो नव्याने सभागृह बनत आहे त्याला क्रांतिवीर बाबूराव फुले सूर शेळमाके असं नामकरण करण्यात यावं आणि क्रांतिवीर बाबूराव शेळमाके यांना न्याय देण्यात यावा अशी ही आमची मागणी आहे। वास्तविक पाहता गोंडवाना विद्यापीठ हा जो बनला आहे तो या चंद्रपूर गढ़चिरौली येथील विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक विकास व्हावा आणि त्यांचं कुठंतरी चांगलं शैक्षणिक विकास होऊन त्यांची प्रगती व्हावी या दृष्टिकोनातून तो गोंडवाना विद्यापीठ बनवण्यात आलं। परंतु त्या सभागृहाला विशिष्ट वेगवेगळे नावं देऊन एक कुठंतरी आदिवासी समाजावर अन्याय होताना दिसत आहे। म्हणून आमची अशीच मागणी राहणार की क्रांतिवीर बाबूराव शेळमाके यांचं नाव देण्यात यावं। जर आमची जर मागणी पूर्ण नाही झाली तर आम्ही लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरू आणि आमची मागणी जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन छेडू। चंद्रपूर से राजू अलोनी के साथ सुनील तायरे की रिपोर्ट।